बीएड में एग्जामिनेशन का मीडियम कौन सा होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कमेंट्स आए हैं, अवेयर होना चाहिए क्योंकि ये एकेडमिक लाइफ में एक शिफ्ट है, ट्रांजिशन पीरियड है अगर आप पंजाबी या हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की तरफ जाते हो। तो कुछ डाउट्स भी हैं, ये डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए। ये पहले बात बता दूँ कि फॉर्म में फिल करना, आप फॉर्म में फिल करते हो, ये मान लीजिए फॉर्म है, आपने फॉर्म में फिल किया कि मीडियम, आपने लिख दिया कि इंग्लिश, ओके ये इंग्लिश हो गया। फॉर्म में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर्म फॉरन जाना है। तो दूसरा आपका पेपर हो रहा है, ये पेपर हो रहे हैं, है ना, तो आपने पेपर दे दिया, मान लिए ये पेपर आपने पॉइंट्स इंग्लिश में लिखे हैं, बाकी पंजाबी में दे दिया, कोई एग्जामिनर जो है ये आपके पेपर को फॉर्म में जहां फिल किया है वो देखने नहीं जाता कि इसने कौन सा फिल किया था और यहां के कैसे दिया हुआ है। नॉर्मली ये चल जाता है कि आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हो, एक आधा अगर पंजाबी में दे दिया तो कोई नुकसान कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, कोई इशू बन गया है तो इंक्वायरी होके आपका, जैसे मैंने बताया था मेरे कॉलेज में ही हो गया था कि एक बच्चे का रोल जो मीडियम था इंग्लिश की जगह पर पंजाबी लिखा आ गया था, तो वो करवाना चाहता था, तो यूनिवर्सिटी ने फॉर्म भी और पेपर भी वेरीफाई करवाए थे, है ना। कई बार इतना लेट हो जाता है कि पेपर डिस्ट्रॉय ये कर देते हैं, लेकिन 3 साल तक शायद संभाल के रखते हैं। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन है मन रूप कौर जी का के, सर इंग्लिश मीडियम फिल करके कोई एक पेपर जिन्हें पैडागोजी ऑफ एसएसटी पंजाबी विच दे सकते हैं गुरु नानक यूनिवर्सिटी विच? हाँ, डरना नहीं है, दे सकते हैं, आराम ना चुप चुपी के दे दो, रौला नहीं पाना, बस यही है, है ना। सही गल सर, मीडियम इंग्लिश लेना चाहिए है, मैं पंजाबी विच कर रही हाँ बीएड, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो ए जी के जो पेंटिंग है वाले जो भी हैं ये सर, ये देखिए कह रहे हैं कि ये मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं है कि मेरी बात को सपोर्ट किया जा रहा है, अगर ये रॉन्ग भी बोलते तो मैं उसकी इंटरप्रिटेशन करता, क्योंकि इन्होंने एक जने ने ही कहा है कि पंजाबी मीडियम या हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, उसके कारण मैं उस वीडियो में ये बता चुका हूँ, दैट इज़ वाई आप इंग्लिश को प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में पॉइंट्स कोटेशन डेफिनेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज पंजाबी हिंदी तो है ही है। कारण ये है कि वेरी इजीली अवेलेबल है, जो मैं आपको टीच करूँगा, है ना, टॉपिक टीच करने शुरू करने लगे हैं, तो वो भी आपको नेचुरली मैं कोशिश करूंगा, बायलैंग्वल हो सकता है, 3 लैंग्वेज नहीं हो सकती, तो इंग्लिश भी साथ में रखूंगा ही रखूंगा, इंग्लिश साथ में हो सकता है कि अब पंजाबी रखूं, जहाँ अगर इंडियन टॉपिक हैं जैसे फिलॉसफी के हैं तो हिंदी रखा जाएगा साथ में, तो ये मुझे भी दिक्कत थोड़ी रहेगी। सर अगर पंजाबी लिया हो तो इंग्लिश कर सकते हैं मीडियम? हाँ, अगर आपने पहले पंजाबी मीडियम रखा है तो बाद में इंग्लिश आप फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। सर प्लीज़ गवर्नमेंट दी फीस बारे, लगभग 1 लाख है, मैं जवाब दे देता सी। सर जी हूँ भी मीडियम चेंज कर सकते हैं? यस, जे थोड़ा 1 सेमेस्टर हो चुका है, 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, तुझे फॉर्म जदों भी एग्जामीनेशन फॉर्म इतने लिखन लगा हाँ, क्योंकि एग्जामीनेशन फॉर्म जदों भी भरे जाते हैं, क्योंकि यदा मीडियम ऑफ एग्जाम की गल की है, एग्जाम जदों फॉर्म फिल किए जाते हैं, फॉर्म फिल हो गए है ना, उदों तुसी इहदे विच मीडियम दे कॉलम विच इंग्लिश भर देना है, बस। ये हो सकता है तुहानू कोई डरा दे कह दे, नहीं मैं तुहानू दस दिता है, नॉर्मली ये चैक नहीं हुंदा, तुसी इक अद्धा पेपर उहदे विच दे सकते हो, पर पार्शली दे सकते हो, तो एड्डी वड्डी गल नहीं है, इशू नहीं है। सर फॉर फिल होने कदों स्टार्ट होंगे ETT दे? मैं वक्रे तौर पर वीडियो बना दिना हाँ सर, BEd दी स्कॉलरशिप दे फॉर्म, हाँ ये भी चल रहे हैं स्कॉलरशिप दे फॉर्म, इस पर वक्री वीडियो बना दिना हाँ। मीडियम बारे कोई होर क्वेश्चन हो तुसी पूछ सकते हो। थैंक यू।